नमस्कार, आज मैंने घर पे बनाए हैं आलू के सैंडविच, जो कि बहुत आसानी से आप भी बना सकते हैं। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तवा गरम किया है, उसके ऊपर मैंने लगा लिया है हल्का सा बटर। आप चाहें तो इसे ब्रश की सहायता से भी लगा सकते हैं, इस तरह से। जैसे ही तवा गरम हो जाता है, आप इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड। हमें सारी ब्रेड एक तरफ से सेकनी है, यानी कि वन साइड से उसको अच्छे से रोस्ट करना है। ये देखिए, अगर इस तरह से वो बीच से रोस्ट हो जाती है तो आप उसको साइड में रख सकते हैं। इस तरह से साइड से रखने से उसका साइड वाला जो हिस्सा जो कच्चा रह गया वो भी पक जाएगा, अच्छे से सिक जाएगा। तो इस तरह से आप दो या तीन चार इस टाइप से आप ब्रेड्स ले सकते हैं। ये इनके ऊपर हल्का हल्का सा अगर बटर लगा दिया जाए तो वो अच्छे से सिक जाएगी। ध्यान रखना है, ब्रेड को ओनली वन साइड सेकना है। आप खुरपी की सहायता से इसे हल्का सा प्रेशर डाल के भी सेक सकते हैं, ताकि वो कच्चा ना रह जाए, क्योंकि अगर वो कच्चा रह जाएगा तो सैंडविच में ब्रेड का एकदम आटे आटे जैसा टेस्ट आएगा। अब मैंने मसाला बनाने के लिए, जो कि सैंडविच का मसाला बनेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे मैंने सिंगदाने जो होते हैं उनको अच्छे से रोस्ट कर लेती। अच्छे से रोस्ट होने के बाद मैंने इनको कर लिया है क्रश। क्रश करने के बाद में इनके ऊपर से छिलका हटा देना है। अभी ये आलू बॉईल हो चुके हैं और मैंने कढ़ाई में रख दिया है तेल। तेल गर्म होने के बाद में उसके अंदर जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, जैसे आलू का पराठा बनाते हैं उसमें जो मसाला बनता है आलू का, वो ही मसाला इसके लिए तैयार करना है। इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने डाली है वो है सिंगदाने, यानी कि पीनट्स, और मैंने सिंगदानों को तोड़ लिया था। इसके अंदर मैंने सारा मसाला डाल दिया है, नमक मिर्च हल्दी धनिया, और ऊपर से मैंने प्याज डाल दिए हैं। सारी ब्रेड जो कि ओनली वन साइड से रोस्ट की थी, जिस साइड से वो रोस्ट है वहाँ पर आलू का मसाला जो मैंने तैयार किया है उसे मैं रख देती हूँ अच्छे से फैला के। उसके बाद में दूसरा वन साइड से रोस्ट जो ब्रेड है उसको मैं रखूँगी, यानी कि ध्यान रखना है दोनों तरफ से रोस्टेड ब्रेड के बीच में मसाला रखना है, कच्ची ब्रेड के यहाँ मसाला नहीं रखना है आलू का। और कच्चा कच्चा जो साइड होगा वो सैंडविच के बाहर बाहर होगा, ताकि उसे अच्छे से सेक सकेंगे। तो ये तवे के ऊपर वापस से बटर लगाने के बाद में ये मैं सेक रही हूँ वापस से सैंडविच, यानी कि जो ब्रेड का वन साइड रह गया था जो कच्चा था वो अब सिकेगा। तो खुरपी की सहायता से इसको अच्छे से सेक लेते हैं। इसके ऊपर बटर लगा सकते हैं हम, ताकि ये अच्छे से सिक जाए। जब दोनों तरफ से ये अच्छे से सीख जाएगा दोनों तरफ से, तो इसको इस टाइप से खुरपी की सहायता या आप नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन है जिससे मैं शूट कर रही हूँ, तो ये अच्छे से मुझसे नहीं कट रहा, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। ये देखिए, ये मेरा सैंडविच बनके तैयार है, और एक एक करके मैं सारे सैंडविच बना लूँगी। इन सैंडविचेस के ऊपर आप चीज़ को क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मैंने इसका यूज़ नहीं किया है। जब तक मैंने सैंडविचेस बनाए तब तक मैंने दूसरी साइड में जो गैस पे तेल रख दिया था कढ़ाई के अंदर, और उसको मैंने गर्म कर लिया। ये मेरे पास कुछ पपड़ियाँ हैं जिन्हें मुझे फ्राई करना है, तो मैं तेल चेक कर लेती हूँ कि वो गर्म हुआ है या नहीं। तो मैंने पपड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उसके अंदर डाला, तो ये देखिए आप, वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पा रहा है, उसको टाइम लग रहा है, यानी कि ये तेल अभी थोड़ा सा कम गर्म है, तो मुझे इसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। थोड़ा टाइम बाद मैंने जैसे ही पपड़ियाँ अंदर डाली हैं, तो
तो वो फ्राई तो हो रही है लेकिन ये भी थोड़ा सा टाइम ले रही है, तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा अब गर्म। चिमटे की सहायता से एक एक पपड़ी को निकाल सकते हैं ताकि इसके अंदर कम से कम ऑयल बाहर आए। इस तरह से इसको निकाल लिया मैंने। ये मेरा कंटेनर है जिसके अंदर मैं पपड़ियाँ डाल रही हूँ। बहुत सारी ये पपड़ियाँ मैंने इसी प्रोसेस से फ्राई कर ली, और ये मैंने फ्राई करने के लिए ये इस टाइप की जो जाली आती है उसका भी यूज़ किया, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस हो गए थे तो उनको चिमटे की सहायता से बाहर निकालना टफ काम लग रहा था मुझे। तो ये देखिए मैंने इतनी सारी पपड़ियाँ को फ्राई कर दिया, ये देखिए कितनी सारी है ये, और ये चावल की पपड़ियाँ काफ़ी टेस्टी भी है। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए।